हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे देखे जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सवाल खड़े होते हैं। एक कर्मचारी अस्पताल के अंदर ईसीजी करता है यूट्यूब पर वीडियो देखकर, और वहीं ऐसे में अस्पताल में भी गलत ब्लड चढ़ाने का भी मामला सामने आया। क्यों आया? उसकी वजह है कि जिसका हक मारा गया वो पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये वो युवा है जो कि लगातार कोर्स करने के बाद भी पैरामेडिकल भर्ती नहीं आने के चलते दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन पिछले 9 सालों से सेवा नियम भी नहीं बना है और फिर तो भर्ती की उम्मीद ही है, क्या करें युवा। इन्हीं से जानते हैं क्या इनसे सरकार की आखिरकार मांगे, क्या मुख्य रूप से आप मांगे आपकी। देखिए, वर्ष 2015 में राजस्थान के चिकित्सा महकमे में जो कमियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए ओटी टेक्नीशियन, कैथ लैब, ब्लड बैंक, डायलिसिस ऐसे 14 प्रकार के कोर्सों को निरंतर संचालित किया जा रहा है। लेकिन आज राजस्थान का दुर्भाग्य ये है कि इन पदों पर आज भी जब प्रशिक्षणार्थी योग्य टेक्नीशियन राजस्थान में मौजूद है तो भी उन पर अयोग्य टेक्नीशियनों से काम चला रहे हैं। इसका एक मुद्दा यह भी अभी SMS अस्पताल का था कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और उसको AB पॉजिटिव ब्लड सप्लाई कर दिया गया। ये किस लिए हुआ? कि अयोग्य टेक्नीशियन की वजह से ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से वो पेशेंट मर गया। हम राजस्थान सरकार से आप मीडिया के भाई बंधुओं के माध्यम से यही मांग रहना चाह रहे हैं कि इन कोर्सों का कैडर सेवा नियम बढ़ा के जल्द से जल्द वैकेंसी जारी करे। सरकार इस पर सोच तो रही थी, इतना वक्त गुजर गया कि सरकार ही बदलती रही। देखिए, गहलोत सरकार में हमने खूब मांगे की, लाठियां खाई, जेलों में गए, सिर्फ आश्वासन, झूठा आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। आज मैं भजन लाल शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, पिछली बार जब 24 का बजट आने वाला था उसमें भी आपने पुराने LTRT की भर्ती को देकर के आपने पैरामेडिकल को एक पद नहीं दिया, पुरानी भर्ती को गहलोत सरकार की को ज्वाइनिंग देकर आपने पल्ला झाड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में पैरामेडिकल एसोसिएशन मेडिकल हेल्थ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, लेकिन वहाँ आप अयोग्य लोगों को लगा रहे हो, इसका जिम्मेदार कौन है? पेटी बैग मशीनें पड़ी हैं राजस्थान मेडिकल हेल्थ होते हुए भी इन बच्चों के माँ बाप गाढ़े पसीने की मेहनत से कमाई करके इनको यहाँ राजधानी पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये मेडिकल हेल्थ के डिप्लोमा करवाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 9 साल हो गए हमारे साथी ओवरेज होने पे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, ऐसा आप स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा की बात करते हो, स्वास्थ्य अच्छा कैसे मिलेगा जब 10वीं 12वीं पास लोग काम करेंगे मेडिकल हेल्थ में, शिक्षित आदमी, वेल एजुकेटेड आदमी यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा पूरा पैरामेडिकल एसोसिएशन लगातार सरकार से मांग कर रहा है, पिछली बार भी सरकार से मांग की थी और सरकार से पुनः हम मांग करते हैं। आज तो हम काली पट्टी बांधकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारे जल्दी सेवा नियम जारी किए जाए और हमारी जो फाइनेंस में फाइल अटकी है उसको आगे बढ़ा करके 2025 में आने वाले बजट में माननीय चिकित्सा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए सेवा नियम जारी करके नए पद सृजित करके भर्ती जारी करें, नहीं तो निश्चित रूप से हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन करेंगे, और अगर तभी भी बात नहीं मानी तो चाहे हमें केस खाने पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़ी, हम विधानसभा की ओर कूच कर विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। सबसे अहम स्वास्थ्य होता है और स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से। देखो, स्वास्थ्य जो है वो बेसिक नीड होती है मनुष्य की। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एम्स जैसे संस्थान नेशनल लेवल पे अगर वैकेंसी जा रही है तो राजस्थान सरकार या राजस्थान के अधिकारी क्या एम्स वालों से ज्यादा समझदार हो गए क्या, जो यहाँ पर वैकेंसीज नहीं आ रही है? पिछले इतने सालों से कोर्सेज चलते हुए आ रहे हैं, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के नाम पे या तो डॉक्टर्स की वैकेंसीज आ जाएगी या नर्सिंग स्टाफ की आ जाएगी, अगर पैरामेडिकल के नाम पे आएगी तो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की आ जाएगी, उसके अलावा एक भी वैकेंसी नहीं आती है। वो वैकेंसी निकाल के गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ देती है। एम्स जैसे संस्थान, PGI जैसे संस्थान अगर वैकेंसीज निकाल रहे हैं रेगुलर बेस पे तो फिर पैरामेडिकल की राजस्थान में वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो फाइल चल रही है उस फाइल को घुमाया क्यों जा रहा है बार बार? अगर बजट की कमी है तो और भी तो कार्य राजस्थान में अननेसेसरी कई कार्य हो रहे हैं जिनमें बजट करोड़ों में खर्च हो रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए तो जरूर ये होना चाहिए और वो जो फाइल है उसको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन कितने आपके इस पे कोर्स है जिसको शामिल नहीं किया गया सेवा में? ये 14 प्रकार के कोर्स चलाए जा रहे थे RPPCC की तरफ से, लेकिन उनमें से केवल DMLT और एक DRT दो ही कोर्सेज है जिनमें वैकेंसी आ रही है, और जो OT हमारे जो 8-9 प्रकार के जो कोर्स है इनमें एक भी वैकेंसी नहीं है ये 2015 से, और हम ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। ना तो हमको 5-5 हज़ार के अंदर युवा नौकरी कर रहा है, 5-5 हज़ार में परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, और आज ऐसी हालत हो गई है।
कि मतलब कि जो किसान सारे के सारे बेरोजगार युवा सब किसान के बेटे हैं, सब हमारे माता पिता कैसे कैसे करके, कोई मजदूरी करके, कोई कैसे करके फीस जो 1,05,000 कोर्सेज की जो फीस हो गई है उसमें, तो आज इतनी भयंकर परेशानी का सामना कर रहा है, करना पड़ रहा है हमको। आपने कब किया था कोर्स? जी अभी कंप्लीट हुआ है, मेरे 2020 बैच से हूँ। अच्छा, हाँ। कितनी फीस लगी थी? जी 1.5 लाख के समथिंग फीस लग गई। लेकिन आपको पहले नहीं पता था कि 7 नियम में आपका कोर्स है ही नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था, और सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं करती है कि सेवा नियम नहीं है या लोगों की वैकेंसी नहीं आती है, बस वो उसमें कोर्स दिखा देती है कि हाँ कोर्स है, बच्चे भर देते हैं, अच्छा कोर्स है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली कोर्स अच्छा होगा, पर सरकार उसमें कुछ ही नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। लेकिन वो फिर तो अब कोर्स का जो कागज है, जो सर्टिफिकेट है, कोई मतलब ही नहीं है, तो ब्यूटी पार्लर चलाओ फिर। तो ये तो सरकार को सोचने वाली बात है कि सरकार ने कोर्स करवाया, बच्चों को इतनी मेहनत की, बच्चों ने इतनी मेहनत की और वो उनका कैरियर अंधेरे में लेके जा रही है, तो फिर सरकार का ऐसे होने का कोई मतलब नहीं है। क्या सोचकर आए थे? सर मेडिकल फील्ड एक अच्छी फील्ड है, यहाँ पर मतलब वो है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, फैमिली मिडिल क्लास फैमिली आपको डॉक्टर की तैयारी नहीं करा सकती, तो पैरामेडिकल ठीक है, तुम पैरामेडिकल में जाके आराम से मेडिकल फील्ड में अच्छी पोस्ट पे भी जाओगे, अच्छा नाम भी कमाओगे, एक नाम कमाना होता है। और सर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पैरामेडिकल में आके पता चला कि तुम 2 कोर्स में ही जा सकते हो बस, और तो कोई कोर्स ही नहीं बचा हमारे लिए। मिडिल क्लास फैमिली वाला तो यही सोचेगा कि अपना बच्चा अच्छी जगह सेटल हो जाए, तो सर जब वैकेंसी आएगी तभी तो वो सेटल होगा ना। अभी आप प्राइवेट में जाते हो, हमारी कोई कदर ही नहीं है, सेवा नियम तो आए, सेवा नियम के बाद में ही तो लोग जानेंगे कि हाँ हमारा कुछ है, हम कहीं जा सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं। तो पैरामेडिकल में कोर्स कर चुके हैं, भर्ती तो बाद की बात है, लेकिन सेवा नियम ही नहीं बना। ऐसे में जो सालों से हजारों कोर्स करने वाले युवा है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हाथ में सर्टिफिकेट लेकर निजी अस्पतालों में सेवा जरूर दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार नहीं सोच रही है, इसकी वजह से ये बेरोजगार अपने आप को कहलाते हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग हर बार इनको एक लॉलीपॉप देता है और उसके झांसे में ये आ जाते हैं, जिसके बाद निजी और सरकारी कॉलेजों में ये लाखों रुपए लगाकर कोर्स भी करते हैं, लेकिन इस कोर्स का फायदा ना इन्हें मिल पाता है, ना ही उस आम जनता को जो कि राजस्थान की जनता है, स्वास्थ्य से उनके साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ना जाने सरकार कौन सी गहरी नींद में सो रही है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।